बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.7 सेकेंड ईयर का। ये हम लेक्चर कवर करेंगे आज, जिसमें हम एरिया फाइंड आउट करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमारे पास कैसे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 टू एक्स इज इक्वल टू 2। देखिए, हमें एक कर्व दिया हुआ है और 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, ये हमारी लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। हमें कहा गया है इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करें सिर्फ इस एक्सिस से इस एक्सिस तक। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कॉस एक्स। एक्स यहाँ पे मिसिंग है, उसे लिख लीजिएगा। कॉस एक्स फंक्शन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 टू एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, यानी इस लिमिट इस एक्सिस के दरमियान में कॉस एक्स फंक्शन का जितना एरिया आता है वो हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्टली ये 4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम 5 टू ऑनवर्ड स्टेटमेंट को रीड करेंगे। Required area is equal to integral from 1 to 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रही हूँ मैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहाँ y का फंक्शन और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट और ये डी एक्स। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और सिंपल अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू अप्लाई करेंगे, जैसे 3.6 के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। ये पावर रूल और एक्स की इंटीग्रेशन 1, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये आ गया 2³/3 प्लस 2, पूरे फंक्शन में पहले अपर वैल्यू फिर माइनस और अब लोअर वैल्यू प्लस 1। 8³ प्लस 2 माइनस 1³ माइनस 1, ये जिसके ओवर में 3 आ रहा है डिनोमिनेटर में, उसको हम पहले एक कंबाइन कर देते हैं क्योंकि वो इजीली सॉल्व होंगे, और बाकी कांस्टेंट नंबर सेपरेट कर देते हैं। 8 माइनस 1 ये आ गया 7, 2 माइनस 1 ये आ गया 1। एलसीएम ले लें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10/3। अब क्वेश्चन नंबर 2, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लोअर वैल्यू अपर वैल्यू वाई फंक्शन डी एक्स। अगर इस क्वेश्चन का या इन तमाम क्वेश्चन का आप ग्राफ बनाना चाहें तो और भी बेहतर है। वाई इज इक्वल टू है 5 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी यहीं से इंटीग्रेशन कर देते हैं। 5 अकेला कांस्टेंट नंबर है, सो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास 5x। उसके बाद है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आती है पावर रूल से एक्स क्यूब। लोअर वैल्यू और ये आ गई अपर वैल्यू। पहले हम अपर वैल्यू पुट करेंगे अपने सारे फंक्शन में, एक्स की जगह पर 1 2।
ओके, अपर वैल्यू हमारे पास 2 है, हम यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 क्यूब माइनस, और अब यहाँ पर आएगी लोअर वैल्यू, टेन माइनस 8/3 माइनस 5 माइनस, और माइनस 1 का क्यूब आ गया, अगेन माइनस 1, 10 माइनस 8/3 माइनस माइनस 5 प्लस 1/3, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जो ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा हुआ है, ये माइनस, इसे हम सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 8/3 माइनस माइनस प्लस माइनस 1/3। अब उसी डेफिनेशन से जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उन्हें पहले लिख लिया, और जिनके नीचे 3 लिखा हुआ है ना उन्हें बाद में कंबाइन कर लेते हैं। ये आ गया 15, दोनों के साइन सेम है माइनस माइनस, इसलिए दोनों ऐड होंगे और साथ में माइनस का ही साइन आएगा। 8 और 1 दोनों ऐड होकर बन गए 9, 9/3, और ये ऊपर नीचे कैंसिल, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 4 वाई डी एक्स, और y की जगह पर अब वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। 3 एक कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रल से पीछे चला जाएगा 1 to 4, और स्क्वायर रूट को चेंज कर दिया पावर में। अब हम यहाँ पर सिंपली पावर रूल लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा यहाँ पे जब हम पावर रूल लगाएंगे, और यहाँ नीचे भी 1 इज़ द लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज़ 4। 3/2 रेसिप्रोकल टर्म्स हैं, इन्हें सेपरेट कर लेंगे, आ गया 2/3, और ये रहेगा 3/2, 3 3 से कैंसिल 2, और एक्स में अब पहले 4 यानी अपर वैल्यू, उसके बाद माइनस साइन, फिर लोअर वैल्यू, 4 है, 4 को हम इजीली लिख सकते हैं 2 स्क्वायर में, ये आ गया 2 स्क्वायर, 3/2, 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो 1 रहता है, ये 2 2 से कैंसिल। अब रह गया 2 क्यूब, 2 क्यूब इज़ इक्वल टू 8, और 8 - 1 इज़ इक्वल टू 7, और ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 14 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्वायर्ड एरिया इज़ इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू π/2 cos x dx, और अब cos x की इंटीग्रेशन आती है sin x, -π/2 π/2 अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, कॉस चेंज हो चुका है साइन में, साइन π/2 पे आता है 1, और -π/2 पर आता है -1, 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और ये 1 + 1 इज इक्वल टू 2, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखिए हमें जस्ट कर्व गिवन है, और एक हिंट हमें गिवन है कि एक्स एक्सिस और इस कर्व के बिटवीन में जितना एरिया है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है, हमें एक्स कोऑर्डिनेट्स या अपर लोअर वैल्यूज़ जो हैं लिमिट्स वो हमें खुद फाइंड आउट करना होंगे। तो देखें, एक्स के पॉइंट्स तभी आ सकते हैं जब वाई हमारे पास 0 हो, क्योंकि कंप्लीट एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू चेक की जाए तो वाई उस टाइम वहाँ पर 0 होता है।
इसलिए अगर हमें लोअर और अपर वैल्यू चाहिए और एक्स एक्सिस के पॉइंट्स चाहिए तो हम इस इक्वेशन को इक्वल टू ज़ीरो कहेंगे और एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से। इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट है, डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास लोअर और अपर लिमिट्स नहीं हैं, हम फाइंड आउट करेंगे और एक्स पॉइंट्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसलिए वाई की जगह पर हम ज़ीरो लेट करके एक्स के पॉइंट्स यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू गेट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस वी लेट वाई इक्वल टू ज़ीरो, और वाई इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारे पास क्योंकि इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 4x - x² वाई ज़ीरो पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 4x - x². यहाँ से देखें x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लिया, 4 - x रह गया। अब दोनों साइड्स की इक्वेशंस को कंपेयर करवाएं तो देखें x इक्वल टू 0, 4 - x भी इक्वल टू 0, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखें ये हमारी लोअर लिमिट और ये हमारी अपर लिमिट। अब रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करेंगे हम, रिक्वायर्ड एरिया इज़ इक्वल टू फ्रॉम 0 to 4 वाई डी एक्स, वाई इज इक्वल टू है 4x - x². अब हम इसे इंटीग्रेट करवा लेंगे, एक्स की इंटीग्रेशन आ गई x² / 2 और x² की इंटीग्रेशन x³/3, लोअर लिमिट अपर लिमिट और ये कैंसिल, 2x² - x³/3, 0 to 4। पहले हम अपर वैल्यू पुट करेंगे, 4² - 4³/3 माइनस और फिर 0 -0³/3 और ये ब्रैकेट क्लोज। नोट करें 4² इस इक्वेशन से कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए 4² मैंने इसमें से कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर रह गया मेरे पास 2 - 4/3 और यहाँ आ गया 0 - 0। 4² इज़ इक्वल टू 16 और यहाँ LCM 6 - 4 - 0 और ये आ गया 2/3, ये आ गया 16, 2 से मल्टीप्लाई होके 32/3, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, टू गेट द पॉइंट्स on x axis we let y equal to 0, और क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है x² - 2x - 3, सो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से x² + 2x - 3। इसे थोड़ा सा सीधा कर लें, इस साइड पे इक्वेशन ले आते हैं और अब इसके फैक्टर्स बनाएं तो इजीली इसके फैक्टर्स बन जाएंगे +3x - x - 3, x कॉमन, -1 कॉमन, आपका कोई पॉइंट हो तो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब ये दो पेयर आके इनको सेपरेट कर लें और पॉइंट्स निकाल लें, x = -3, x = 1।
रिक्वायर्ड एरिया लोअर वैल्यू और ये अपर वैल्यू y dx, y की जगह पर आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। और अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई क्यूब बाय 3 और x की इंटीग्रेशन आ गई स्क्वायर बाय 2 और 3 की इंटीग्रेशन आ गई 3x माइनस 3 अपर वैल्यू ओवर 3 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और फिर माइनस लोअर वैल्यू 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 3 और ये आ गया 1 ओवर 3 प्लस 1 माइनस 3 और माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 9 प्लस 9 और यहाँ से आ गया 1 बाय 3 माइनस 2, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, 3 9 टाइम 27 और ये आ गया माइनस 9 प्लस 9 अगेन प्लस 9, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। माइनस और प्लस इज इक्वल टू माइनस, 1 बाई 3 माइनस 2 माइनस 9, सब का एलसीएम ले लेंगे अब कंबाइन, 3 1 माइनस 6 माइनस 27 और ये आंसर आ गया माइनस 32 बाई 3। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और कि हमारा जो एरिया है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर आपका आंसर लास्ट पर नेगेटिव साइन में आ भी जाए तो आपने इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। जैसे लेंथ पॉजिटिव होती है ऐसे एरिया भी पॉजिटिव होता है। सो एरिया इज ब्रैकेट में लिख लें आफ्टर निगलेक्टिंग नेगेटिव साइन इज इक्वल टू 32/3। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक हिंट ये दे दिया कि एक्स इज इक्वल टू 2 तक और किस कर्व के अलोंग, इस कर्व के अलोंग जो एक्स एक्सिस के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई लिमिट की लेकिन सेकंड वैल्यू की कमी है। सेकंड वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे वो पॉइंट जहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वो हमें उसकी लोकेशन बताती है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, इस वाई को इक्वल टू ज़ीरो कह के। तो हम यहाँ पे यही स्टेप अप्लाई करेंगे, सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम वाई को इक्वल टू ज़ीरो कहेंगे और इस इक्वेशन से एक पॉइंट हासिल करेंगे जिससे हमें एक्स एक्सिस का पॉइंट मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। टू गेट द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस वी लेट y इक्वल टू ज़ीरो, y इक्वल टू ज़ीरो लेट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 और ये तो फार्मूला में चेंज किया जा सकता है, रिजल्ट एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। और इस फार्मूला को अगर ओपन करें तो ये फार्मूला ओपन होता है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रियल नंबर्स की एक्सिस आ रही है इसलिए हमें ये पता है कि यहाँ से जो रूट्स आएंगे अगर हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, इसलिए इमेजिनरी रूट्स तो हम यहाँ पर अपनी लोअर या अपर लिमिट नहीं बना सकते। ये जो पेयर लिखा हुआ हमारे पास ये ब्रैकेट में जो फंक्शन है यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 जो कि एक रियल नंबर है। सो हम इसी नंबर को चूज़ करेंगे और अपनी लिमिट बनाएंगे। प्लस 1 इक्वल टू 0, वी यूज़ ओनली
एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन विल गिव इमेजिनरी वैल्यूज। सो वी डोंट यूज दीज वैल्यूज, दीज वैल्यूज। चलें जी, लोअर लिमिट भी आ गई और अपर लिमिट भी आ गई। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू माइनस वन टू टू वाई फंक्शन डी एक्स। अब हम इसे इंटीग्रेट करवाएंगे फ्रॉम माइनस वन टू टू एक्स क्यूब प्लस वन डी एक्स, और इस पर फार्मूला अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा पावर रूल के अकॉर्डिंगली फोर प्लस एक्स। लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब यही वाली वैल्यूज अप्लाई करेंगे, फोर बाय फोर प्लस टू माइनस माइनस वन प्लस इंटू माइनस वन, और ये आंसर आ गया हमारे पास सिक्सटीन बाय फोर प्लस टू, और इस साइड पर आ गया वन ओवर फोर माइनस वन। ये कैंसिल, फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स, माइनस वन बाय फोर प्लस वन। इकट्ठा इनका एलसीएम ले लें कंबाइन, ये फोर आ गया, ट्वेंटी फोर माइनस वन प्लस फोर, ये आ गया आंसर ट्वेंटी सेवन बाय फोर। क्वेश्चन नंबर एट की स्टेटमेंट देखें, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। इसमें भी हमें लिमिट्स नहीं गिवन, हमने खुद फाइंड आउट करनी है y इक्वल टू ज़ीरो पुट करके, और वो पॉइंट्स हमें चाहिए जो x एक्सिस को टच करते हों। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, और साथ ही क्वेश्चन नंबर नाइन भी क्वेश्चन नंबर एट की तरह है। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन एंड द x एक्सिस। टू फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस वी लेट y इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस माइनस फोर एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन है। y की जगह पर ज़ीरो पुट किया तो इक्वेशन बन गएगी हमारे पास ये। इसको स्ट्रेट कर लें ज़रा, वेरिएबल्स लेफ्ट साइड पर और ज़ीरो राइट साइड पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, x कॉमन, और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, जो कि इजीली फार्मूला कंप्लीट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। सो इसको और मज़ीद फैक्टर्स बना लें, x माइनस टू और x प्लस टू, और ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास अब आ रही हैं, और तीनों वैल्यूज़ ही रियल वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब है ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को इन तीन पॉइंट्स पे टच करता है। अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को लेते हुए एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया के कहाँ कहाँ से फाइंड आउट करने हैं, ज़ीरो से टू तक एरिया, क्योंकि ये ग्राफ जो है ये सिमेट्रिक ग्राफ है, ज़ीरो से टू और फिर ज़ीरो से माइनस टू वाली साइड पे कंप्लीट हमने एरिया फाइंड आउट करना है। ये ज़ीरो, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये टू और ये माइनस टू। अब हम पहले ज़ीरो से टू तक का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, फिर ज़ीरो से माइनस टू तक का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ताकि तमाम ग्राफ का जितना एरिया एक्स एक्सिस के बिटवीन आ रहा है वो कंप्लीट हम इजीली फाइंड आउट कर लें। सो रिक्वायर्ड एरिया, यहाँ पर टोटल एरिया हमारे पास ही रिक्वायर्ड एरिया होगा, एरिया फॉर x लेस देन और इक्वल टू टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इस लिमिट के लिए हम एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ज़ीरो टू टू y dx। y हमारे पास है x क्यूब माइनस फोर एक्स और ये dx। पावर रूल लगाना होगा, फोर ओवर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाय टू।
ओवर टू लोअर वैल्यू और ये हमारे पास अपर वैल्यू, ये कैंसिल हो गया रिजल्ट। और फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे, ज़ीरो टू टू, टू हैज़ पावर फोर, टू स्क्वायर और माइनस और इन्हीं वैल्यूज़ की जगह पर ज़ीरो। ये आ जाएगा 16/4 माइनस 8 और ये सारा ज़ीरो, ये कैंसिल और आंसर आ गया -4। एरिया नेगेटिव नहीं होता सो यहाँ से नेगेटिव साइन निगलेक्ट करेंगे, निगलेक्टिंग नेगेटिव साइन। एरिया 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ से फर्स्ट एरिया जो है उसका नाम हम A1 रख लेते हैं और जो दूसरा एरिया आएगा उसका एरिया A2 रख लेंगे। सो नाउ एरिया लेस देन और इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब ये एरिया फाइंड आउट करेंगे हम, A2 इसका नाम रख लिया, -2 टू 0। फोर बाय फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाय टू, जीरो पुट करेंगे पहले, -2 इंटू जीरो स्क्वायर माइनस साइन और अब -2 पुट करेंगे, -2 स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज, ये सारी ब्रैकेट तो ज़ीरो हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 16/4 -8 और ये कैंसिल, -4 -8 यहाँ से आ जाएगा -4 और ये टोटल एरिया आ गया यहाँ से इसका A2 का एरिया आ गया 4। रिक्वायर्ड एरिया A is equal to A1 यानी जो 0 से -2 की तरफ एरिया है वो, और प्लस टोटल एरिया जो A2 हमारे पास आया है, दोनों एरियाज़ को ऐड करेंगे 4+4 और ये टोटल एरिया आ गया हमारे पास 8। दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी पहले हम x एक्सिस पे पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। टू गेट द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस वी लेट y इज़ इक्वल टू 0 और जब y इज़ इक्वल टू 0 लेट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और क्लियरली पेयर्स तो बने हुए हैं, इनको 0 कहेंगे और अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। और पॉइंट्स आगे हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू 0, एक्स इज़ इक्वल टू 1, एक्स इज़ इक्वल टू -1। ज़ीरो एक्स इज़ इक्वल टू 1 और ये आ गया एक्स इज़ इक्वल टू -1। इस ग्राफ में भी हमें क्या करना होगा, पहले एरिया फाइंड आउट करना होगा फ्रॉम 0 टू -1 और फिर एरिया फाइंड आउट करना होगा 0 टू 1, यानी ये दो एरियाज़ हैं और इन्हें अब हम स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करेंगे। एरिया फ्रॉम 0 टू 1, A1 इज इक्वल टू 1, ये y की वैल्यू हमने पुट कर दी अंदर और इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स और अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 लोअर वैल्यू और ये अपर वैल्यू। स्टेप बाय स्टेप इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे
फोर बाय टू और माइनस साइन, माइनस साइन के बाद अब ज़ीरो स्क्वायर बाय टू, ये आ जाएगा वन बाय फोर माइनस वन बाय टू माइनस ज़ीरो। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस वन बाय फोर। निगलेक्टिंग नेगेटिव साइन, ए वन इज इक्वल टू वन बाय फोर। अब हम ए टू फाइंड आउट करेंगे, एरिया ए टू इज इक्वल टू फ्रॉम माइनस वन टू वन एक्स क्यूब माइनस एक्स, उन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के हमने यहाँ पे लिखा एक्स हैज पावर फोर। ये इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ये आ जाएगा फोर ओवर फोर माइनस स्केयर ओवर टू लोअर वैल्यू और ये अपर वैल्यू। पहले ज़ीरो पुट करेंगे पूरे फंक्शन में, माइनस और अब माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन स्केयर बाय टू और ये आ गया ज़ीरो वन ओवर फोर माइनस वन बाय टू। इस सारे डाटा को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस वन ओवर फोर। सो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वन ओवर फोर आ गया। रिक्वायर्ड एरिया इज़ इक्वल टू ए और ए इज़ इक्वल टू ए वन प्लस ए टू और ये आ गया हमारे पास वन ओवर फोर प्लस वन ओवर फोर। एलसीएम लेंगे तो टू बाय फोर आ जाएगा, कैंसिलेशन के बाद आंसर आ गया वन बाय टू, दैट्स दी आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू माइनस वन टू एक्स इज इक्वल टू टू। लोअर वैल्यू भी गिवन है, अपर वैल्यू भी गिवन है और फंक्शन में थोड़ी सी चेंजिंग है कि y की बजाय हमें फंक्शन दिया हुआ है वाई स्क्वायर और हिंट हमें यह दिया हुआ है कि हमने जो एरिया फाइंड आउट करना है वो है अबव द एक्स एक्सिस। तो ये जो वाई स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जब स्क्वायर रूट लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट से ये क्लियर है कि पॉजिटिव जो डायरेक्शन है ये अबव एक्स एक्सिस से अबव वाले फंक्शन के एरिया के लिए और जो माइनस साइन को डिनोट कर रहा है वो लोअर वाले फंक्शन के कंप्लीट एरिया को प्रेजेंट कर रहा है। तो हमें सिर्फ अबव फ्रॉम द एक्स एक्सिस एरिया फाइंड आउट करना है इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट वाले रिजल्ट को यूज़ करेंगे। एज वाई स्केयर इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स टेकिंग स्केयर रूट वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट थ्री माइनस एक्स। नाउ ब्रांच ऑफ द कर्व अबव द एक्स एक्सिस इज y is equal to square root 3 minus x. So required area is, required area is equal to minus 1 to 2 square root of 3 minus x. अब नोट करेंगे हमारे पास स्क्वायर्ड रिजल्ट है यानी पावर, पावर के अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है माइनस वन, हमारे पास माइनस मल्टीप्लायर में होना चाहिए तो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। इसे पावर में चेंज किया और साथ माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब पावर रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर नंबर आ जाएगा थ्री माइनस एक्स हैज पावर थ्री बाय टू ओवर थ्री बाय टू लोअर वैल्यू और ये आ गई अपर वैल्यू। ये हमने पावर रूल लगाया तो हमारे पास थ्री बाय टू वैल्यू आ गई। थ्री बाय टू चेंज होकर बन जाएगा टू बाय थ्री, थ्री माइनस एक्स माइनस वन टू टू।
अपर वैल्यू, पहले हम पुट करेंगे अपर वैल्यू और फिर पुट करेंगे लोअर वैल्यू। वन, वन की जितनी मर्जी पावर हो वो वन ही आता है। थ्री माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा हमारे पास फोर। फोर की पावर है थ्री बाय टू और फोर को लिखा जा सकता है टू स्केयर। स्केयर स्केयर से कैंसिल, टू क्यूब आ गया। टू क्यूब इज इक्वल टू एट। वन माइनस एट इज इक्वल टू सेवन और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पॉजिटिव फोर्टीन बाय थ्री। क्वेश्चन नंबर इलेवन, स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई इज इक्वल टू कॉस वन बाय टू एक्स। ये नेगेटिव साइन साथ में नहीं है, ये फंक्शन हमारे पास है जस्ट कॉस वन बाय टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई टू पॉजिटिव पाई और ये हमारे पास हैं लिमिट्स। ये भी स्ट्रेट फंक्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू साइन टू एक्स। ये हमारे पास फंक्शन है और लिमिट्स हैं x इज इक्वल टू ज़ीरो टू x इज इक्वल टू पाई बाय थ्री। क्वेश्चन नंबर थर्टीन की स्टेटमेंट भी, फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू स्केयर रूट टू ए एक्स माइनस एक्स स्केयर। और क्वेश्चन नंबर थर्टीन में हमें लिमिट्स नहीं दी, हम लिमिट्स भी खुद फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर इलेवन, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई कॉस वन बाई टू एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, कॉस की इंटीग्रेशन आती है साइन और अगर एंगल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो भी सार डिवीजन में। ये आ गया माइनस पाई टू पाई। वन बाई टू रेसिप्रोकल में है, टू ऊपर चला जाएगा तो टू आ जाएगा मल्टीप्लायर में। ये आ गया हमारे पास हमारा फंक्शन माइनस पाई टू पॉजिटिव पाई। एक्स की जगह पर पुट करेंगे पहले पाई तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई टू। जब एक्स की जगह पाई आया तो ये पाई बाई टू और जब एक्स की जगह पर हमारे पास माइनस पाई बाई टू आएगा तो वैल्यू ये बन जाएगी। साइन पाई बाई टू पे आंसर वन और माइनस पाई बाई टू पे आंसर माइनस वन देता है। माइनस इंटू माइनस प्लस और ये टू, टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू फ्रॉम ज़ीरो टू पाई बाई थ्री और y dx। y हमारे पास है साइन 2x, ये आ गया साइन 2x। अब इसको इंटीग्रेट करवाएं तो साइन की इंटीग्रेशन आती है माइनस कॉस, 2 मल्टीप्लायर में है सो ये यहाँ पर डिवाइड में आएगा। 2 यहाँ x से मल्टीप्लायर में है इसलिए यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 0 और ये आ गया पाई बाय थ्री। माइनस वन बाई टू एज अ कॉन्स्टेंट बैक साइड पर चले गए और x की जगह पर हम अपनी वैल्यू अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2 पाई बाय 3 फिर उसके बाद माइनस कॉस 2 इंटू 0। टू पाई बाय 3 को लिखा जा सकता है पाई माइनस पाई बाय 3। अब इसको अल्फा बीटा फार्मूला से ओपन करें तो ये इजीली हमें वैल्यूज दे देगा, यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा फार्मूला हम इस पर अप्लाई करें तो इजीली हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाई टू और यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस वन बाई टू। कॉस ज़ीरो पे आंसर देता है वन। एलसीएम ले लें ब्रैकेट के अंदर, टू माइनस वन माइनस टू और ये आ गया हमारे पास माइनस थ्री बाई टू, मल्टीप्लाई करवाने के बाद थ्री बाय फोर।
क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्टली तो हम अपनी लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड दी एक्स पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस वी लेट वाई को 0। इक्वेशन है हमारे पास स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह जब y की जगह 0 आएगा तो ये पूरी इक्वेशन ऐसे इक्वल टू 0 लिखी जाएगी। स्क्वायर ले लिया दोनों साइड्स पे तो वैल्यू ये बन जाएगी। अब दोनों साइड से x कॉमन, इसमें से भी और इसमें से भी x कॉमन आ रहा है इसलिए हमने x को कॉमन ले लिया, 2a माइनस एक्स आ गया। कंपेयर कर लें इनको इक्वल के, 0 के इक्वल 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2a। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, लोअर वैल्यू भी और अपर वैल्यू भी। और इसके बाद जो स्क्वायर रूट के अंदर रिजल्ट लिखा हुआ है उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर रूट रहने देती हैं, सिर्फ नंबर्स को चूज करते हैं। ओके, तो इस सारे डाटा में से माइनस को मैंने कॉमन लिया। अब इसे कंप्लीट करने के लिए, स्क्वायर की फॉर्म बनाने के लिए ब्रैकेट के अंदर मैंने ऐड किया ए स्क्वायर और माइनस भी किया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को क्यों, एक्स के साथ जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है उसे 2 से डिवाइड करते हैं, जो नंबर बचता है उसका स्क्वायर हम ऐड भी करते हैं और माइनस भी करते हैं टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ एनी टर्म। ये हमारे पास आ गया एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या होगा, जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव बन जाएगा। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये कंप्लीट हमारे पास रिजल्ट बन गया। अब यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 टू 2a स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। और अब जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको शॉर्ट किया है वो भी यहाँ पेस्ट करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर आ गया एक्स माइनस पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। और अब इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे हम। लेट किया एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, हमारे पास वेरिएबल बाद में है सो हम इसको साइन लेट करेंगे, साइन थीटा। डेरिवेटिव ले लें, डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। ये भी हो गया। अब हमें लिमिट्स भी चेंज करना होगी इसी के मुताबिक। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0 और हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए ए से डिवाइड, साइन दूसरी तरफ चला जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, माइनस वन इक्वल टू थीटा। साइन इन्वर्स माइनस वन है सो ये आ जाएगा माइनस पाई बाय टू। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। इफ़ एक्स इज इक्वल टू टू ए, टू ए पुट करेंगे इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए ए से कैंसिल, यहाँ पे वन आ जाएगा, वन इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स वन इज इक्वल टू थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू क्योंकि वन आता है पाई बाय टू पे। सारी वैल्यूज चेंज होगी, अब हम यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करेंगे फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ गया ए कॉस थीटा डी थीटा। ये सारी रिप्लेसमेंट की हमने, इसकी जगह पर ए साइन थीटा आएगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पर आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा।
यहाँ से अब ए स्क्वेयर कॉमन है, जब ए स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वेयर, और वन माइनस साइन स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर। सो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट की वजह से स्क्वेयर दोनों के ख़त्म हो जाएंगे, ए का भी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और कॉस का भी। ये आ जाएगा ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा। ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर, ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा। और कॉस स्क्वेयर की जगह उसका फार्मूला आ जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा बाय टू। ये आ जाएगा हमारे पास ओवर से टू भी बाहर चला जाएगा क्योंकि टू भी कांस्टेंट, और अंदर रह गया वन प्लस कॉस टू थीटा। इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से तो इंटीग्रेशन आ गई वन की इंटीग्रेशन थीटा, कॉस की इंटीग्रेशन साइन टू थीटा ओवर टू, और ये आ गई लोअर वैल्यू और ऊपर अपर वैल्यू। पहले अपर वैल्यू पुट करते हैं पाई बाय टू, यहाँ पाई बाय टू पुट करेंगे तो टू टू से कैंसिल, आ जाएगा साइन पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू प्लस साइन। अब थीटा की जगह जब यहाँ माइनस पाई बाय टू पुट करेंगे तो टू टू से कैंसिल, और यहाँ एंगल आ जाएगा ओनली माइनस पाई, ब्रैकेट क्लोज। पाई बाय टू प्लस साइन पाई पर ज़ीरो, माइनस माइनस प्लस, अगेन साइन माइनस पाई पर भी ज़ीरो ही आएगा। पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू इज इक्वल टू पाई, दोनों का एलसीएम लेंगे तो पाई आ जाएगा। सो टोटल आंसर आ गया वन बाय टू पाई ए स्क्वेयर। दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ओके, ये हमारी आज की एक्सरसाइज थी, कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।